और हज के जो वाजिबात हैं वो सुनिए। मुज़दलफ़ा में ठहरना वाजिब, मुज़दलफ़ा से फजर पढ़ना वाजिब, ये नहीं फजर को बगैर ना, फजर पढ़ें, फजर पढ़कर बाद में रवानगी, ये वाजिब। मिना में बड़े शैतान को, ये नहीं कि दूसरे को, छोटे को ना, आपने मिना में सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ सही तरीक़ा से, कोशिश हो कि उसको लगे, और अमूमन रश होगा तो आपने मसलन, मिसाल दे रहा हूँ, यही है ना पिलर, आपने आते 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 यहाँ नहीं खड़े होना, पीछे से आएगा धक्का, आप कुचले जाएंगे। आपने जब यहाँ आए रूट बदलने, ये इधर आके इधर आ जाए, यहाँ रश नहीं होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाह, यहाँ खड़े होंगे तो आप कुचले जाएंगे, बड़े आराम से मारे बिरादरान। और अगला वाजिब कि कुर्बानी करना, कंकरियां मारने पहले, कुर्बानी बाद में वाजिब, कुर्बानी के बाद सर मुंडाना, ये नहीं कि पहले सर मुंडाया कुर्बानी बाद में ना, ये वाजिब है। भूल के हो जाए सरकार ने माफ़ी दी है, जान के करेंगे तो दम लाजिम, कुर्बानी पहले होगी, सर बाद में मुंडाएंगे, और जब सर मुंडा लेंगे तो फिर एहराम खोलेंगे।